Assalamualaikum students, this is the physics teacher Mohammad Tash Panis and you are watching my video of physics solution of NED 2011. I hope you like this video. Do remember to subscribe my channel students. Speed of sound does not depend upon pressure. हम जानते हैं पहले से ही कि pressure पे अब हमारे पास जो formula जो होता है rho v upon density, इसमें pressure बढ़ाने से density कम हो जाती है तो वो balance कर लेता है. इसकी वजह से प्रेशर पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ता और वेलोसिटी पे किसी किस्म का इफेक्ट प्रेशर की वजह से नहीं पड़ता. ये याद रखिएगा बात को. ये वाला क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं. इसमें हमें पावर निकालनी है, एनर्जी निकालनी है बेसिकली. और यहाँ पे जो एनर्जी असल में वो हीट के बराबर ही हो जाएगी, जो कि बराबर निकालने का तरीका है वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी. बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जैसे हम पहले जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डेल्टा ए. स्टूडेंट्स इसी स्केलर प्रोडक्ट भी होता है इसमें. इसको हम कहते भी हैं कि भाई पर यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास कर रही हैं. स्केलर क्वांटिटी भी है तो डी ऑप्शन है. गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना आसान है, हम सब जानते हैं. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसका तरीका होता है लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, जिसको हम शंट का नाम देते हैं. रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या जी, मैग्निफिकेशन. यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको हम नन कह देंगे. रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो आपका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इंडिपेंडेंट है. तो रेजिस्टेंस इन सब पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो उसके ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, नहीं कि नन है. लेकिन अगर आपके पास सवाल है तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है स्टूडेंट्स, मटेरियल होता है तो डिपेंड करती. रेक्टिफायर को हम एज अ डायोड यूज करते हैं. आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ करंट द इंटरनल एनर्जी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी, कि कार्नोट इंजन है बताइए, तो वो रिमेन सेम रहती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अ वायर हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रॉन आर गिवन ऑफ, दिस इज नोन एज, किसी वायर को हीट करो और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमेजेंस. को हमने जिस तरह से आप लोगों ने ही मैम विषय में पढ़ा होगा, उसमें यहाँ पे बैटरी लगी होती थी बहुत हाई वोल्टेज की और उसको हम जब निकालते तो यहाँ से बीम निकलती थी, तो ये थर्मियोनिक इमेजेंस था. टू फोर्सेस 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस व्हाट विल बी द एंगल. अब हमें एंगल निकालना है. अब देखें, एक सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था जो कंडीशन मैंने आप लोगों को पेपर में पढ़ाई थी कि भाई 0 डिग्री हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 180 हो तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 डिग्री हो तो पहले स्क्वायर रूट लगाओ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो फिर सॉल्व करो. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व करेंगे तो 25 का रूट आएगा 5. आ गया रिजल्टेंट, ये वाली कंडीशन ऑब्वे करी इसने जो कि 90 डिग्री पर काम करती है, तो एंगल होगा 90 डिग्री. रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की मैंने वेवलेंथ निकालनी है. वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, आपका काम हो जाएगा. सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है. कंट्रोल फिजन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर स्टूडेंट्स, जहाँ पे उनको बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं. लाइट इज प्रूव टू बी ट्रांसवर्स इन नेचर, पोलराइजेशन उसने ये प्रूव किया था कि इसमें आपके पास दो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल वेयर एज वन इज मैग्नेटिक. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, हम इसको जानते हैं. अगर आप इसके यूनिट भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यही निकलेगा. द लॉ दैट गवर्न्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो चार्जेस रखे हैं उनके दरमियान की फोर्स जो डिस्टेंस आर पे करी होती है, किसने बताया था, कूलम ने बताया था. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कंट्रोल इन जे जे थॉमसन बाय, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से भी. पार्टिकल कंप्लीट टू ऑक्सीलेट इन 4 सेकंड्स, द टाइम पीरियड विल बी, अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका होता है आपने डायरेक्टली से 1/4 कर दिया, तो आपके पास आंसर जो है स्टूडेंट आ जाएगा. ठीक है, बल्कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ टाइम पीरियड ही पूछा, ये मैं देखना भूल गया था, टाइम पीरियड ही पूछा तो उसका आंसर 4 सेकंड ही होगा. जो चीज़ पूछी थी उस कंफ्यूज करने की नहीं है, वही चीज़ आंसर मेरे किसी देती है. इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज डबल एंड रेडियस इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी, फॉर्मूला होता है एमवी स्क्वायर अपॉन आर. ये भी 4 टाइम्स हो गया, ये डबल हुई थी नहीं, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, कैंसिल होगा तो आंसर आएगा रिमेन सेम. इफ पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम देन इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, के वाले लेंथ पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर और इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर है. पहले भी हम देख के आ चुके हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है. ये सवाल दोबारा से रिपीट हो चुका है, वही फॉर्मूला लग जाएगा जो पहले बताया था. फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम के हवाले से बात करें तो बराबर होती है 1/2π इसके. अपैरेटस यूज टू कंपेयर ईएमएफ, इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, इसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का फिनोमेना अप्लाई किया करते थे. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, जब वेलोसिटी डबल हो जाए तो हम जानते हैं 4 टाइम्स हो जाएगी. ट्रांजिस्टर जो है किसकी तरह से काम करता है, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह से काम करता है स्टूडेंट. ठीक है जी, तो ये बहुत आसान पेपर था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स.